सबसे टॉप वाला जो प्लेयर है वो यही है। ये भी 11.8 इंच की स्क्रीन है, ठीक है, 360 सपोर्ट है, विद डीएसपी है। ये कुछ वूफर है भाई, जो कि 1000 RMS का वूफर है। वायरिंग भी डालने भाई, कुछ ये वाली कुछ वायरिंग रहेगी अपनी जो एम्पलीफायर पे काम करेगी, और एक और रहेगी जो मोनो पे काम करेगी। ये कुछ रिले होती है जो कि आरडी कंपनी की होती है। 360 कैमरा की किट भी आ चुकी है। तो भाई ये कुछ 1080 और 720 सुपर नाइट विजन कैमरा किट है। पाइनियर का कंपोनेंट कोएक्सियल 6700, JBL का कंपोनेंट कोएक्सियल 6700, सोनी का कंपोनेंट कोएक्सियल 6700। हम लगा रहे हैं ये वाला कुछ एम्पलीफायर, ये है इंटरफायर का 444, और वहाँ पे लगा दिया हमने साउंड बैरियर का 1500.1। लगा रहे हैं भाई कुछ ये वाली डैम्पिंग, ये है मोको की गोल्ड सीरीज। हम लगा रहे हैं मिड रेंज सिल्वेस्टर वाली, ये रखी हुई। साइड मिरर की प्राइसिंग भी है 8500 रुपए है, 8500 का साइड मिरर है, ठीक है। और अगर रिले लगाते हो लॉक करते हैं आपको फीचर फोल्ड चाहिए तो 1200 रुपए की रिले है। और ये देखो भाई मिरर फोल्डिंग भी हो गया, इवन कवर भी लगाया अभी हमने इसका, कवर हो गया इंपोर्टेड वाला। इंपोर्टेड वाला इधर आ जाओ भाई, ये भी दिखाया था आप लोगों को। ये कुछ वाला नहीं है, ये लार्ज नोब है, ये भी आ गया है। ये भी दिखने में सब कुछ सेम लगता है, पर इसकी प्राइसिंग कम आती है। प्राइसिंग कम आती है इसकी। तो स्पीकर जो यूज किए भैया आपके डेपोन से मिड रेंज यूज करे है। सिस्टम की साउंड सुनो एक बार, कैसे हो आप लोग। तो भाई मैं फिर से हूँ माही कार एक्सेसरीज पर, और मेरे साथ में मनीष भैया। कैसे हो भैया? तो आज हम क्या दिखाने वाले हैं भैया अपनी गाड़ी के अंदर? म्यूजिक सिस्टम लगा देते हैं, साइड मिरर लगा देते हैं। साइड मिरर और म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम में भैया कैसा होने वाला सेटअप? हम लोग 464 GB मतलब 4 GB RAM, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, 360 वाला स्टीरियो लगाएंगे, 360 वाला 360 लगाएंगे, डायमंड वाला लगाएंगे, नॉर्मल लगाएंगे, डायमंड लगाएंगे ना, डेवोंस का सिल्वेस्टर सीरीज जो मिड रेंज आती है वो लगाएंगे इसके अंदर। बाकी वूफर अपने पास 1000 RMS का है ही, तो वही इसके अंदर काम कर जाएगा। और अभी इसके साइड मिरर जो है वो वही LXi मॉडल वाले भैया। क्या क्या फीचर हो जाएंगे फिर हमारे पास? अभी तो इसमें कुछ भी नहीं होता, एडजस्टमेंट हो जाता है, मिरर फोल्डिंग हो जाएगी, मिरर में 360 कैमरा भी लग जाएगा, 360 कैमरा भी उसके अंदर लग जाएगा भाई। ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बाकी आप लोगों को ना आज इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है बहुत सारी रेंज स्पीकर्स की, ठीक है। हर बंदा सिल्वेस्टर नहीं लगाता है भैया, कितने का अप्रोच पड़ता होगा मैं सिल्वेस्टर? 8500 का पेयर पड़ता है। और स्टार्टिंग की बात करूं नॉर्मल से, नॉर्मल JBL वगैरह जो हम लोग लगाते हैं वो तो सस्ता होता है, 4500 का कंपोनेंट होता है, 2200 रुपए को एक्सेल होता। तो वही सारी चीजें आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कौन कौन से ब्रांड अपने पास अवेलेबल है सिस्टम के लिए, कौन कौन सी एंड्रॉइड अवेलेबल है, कौन से पाइनर है या स्टीरियो है या एंड्रॉइड की अगर हम स्टार्टिंग करें तो कितने से अप्रोक्स हो जाती होगी भैया? 3500-4000 से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर बात करें डायमंड की तो इस टाइम डायमंड सेट टॉप एंड पे भी धीरे-धीरे नीचे आता जा रहा है, बाकी क्वालिटी तो बेस्ट है ना। वो हम एक बार मैं आपको शॉप पे लेके चलता हूँ भाई, जब तक ये भाई अपना ना ये सारा सिस्टम खोल रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। भाई ने अभी यहाँ पे ये देखो ये खोल दिया है, यहाँ पे भी डैम्पिंग भी करेंगे हम, डैम्पिंग भी डुअल लेयर दोनों तरफ, बहुत बढ़िया। तो भाई आप लोगों को एक चीज तो पता भी है, शीशा फूट गया था अपना, तो हम वाला गेट छोड़ देंगे जब तक के लिए, है ना, क्योंकि परसों हमारा शीशा आ जाएगा वो डल जाएगा, उसके अंदर कांच है वो मैं निकलवा लूंगा अभी। बाकी यहाँ पर सारी चीजें प्रॉपर आपकी तरह लगी हुई है भैया, ये भी चेंज कर देते साथ साथ, है ना। इनर हैंडल अच्छे लगेगा, इनर हैंडल आपका, साइड मिरर और सिस्टम देखना भाई, अभी बिल्कुल पैक है, कुछ भी हमने यूज नहीं करा इसके अंदर अपना, वो भी वैसी का वैसी है। इसका भैया फ्रेम का अगर बात करें तो इसी फ्रेम पे लग जाता है या इसी पे लग जाएगा ना? इसी फ्रेम पे हमारा डायमंड वाला स्टीरियो भी लग जाएगा, और साउंड जो आएगी ना वो एक नंबर आएगी। उस गाड़ी की साउंड अलग थी, इस गाड़ी की साउंड थोड़ी सी आपको अलग देखने के लिए मिलेगी। तो एक बार इंस्टॉलेशन करते हैं। और भैया हमने ये भी तो लगाया था स्टेयरिंग, भैया क्या क्या रहेगा स्टेयरिंग का? स्टेयरिंग देखो इसमें सिल्वर वाला भी अवेलेबल है, जो पैडल शिफ्टर वाला VXi वाला आता है वो भी अवेलेबल है, पियानो करके जो हम लोग ये लगाते हैं स्टेयरिंग को वो भी अवेलेबल है। क्योंकि देखो जो इसका स्टेयरिंग टॉप मॉडल वाला जिसमें पियानो आता है, मतलब मारुति का जेन्युइन स्टेयरिंग जो डब्बे में पैक आता है, क्योंकि अभी जिसके पास है सबने पियानो करा रखा है, उसकी MRP 13000 रुपए होती है, कोई भी उस रेंज में जाएगा नहीं। तो बेसिकली ये भी हमारा भी ये सिल्वर ही पार्ट था, अगर पहले से करवा के रखा होगी आपको बताया ना कि भाई ये ओरिजिनल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ओरिजिनल कोई भी नहीं लगाया, कोई भी लगाया, खाली स्टीयरिंग कोई नहीं लगाया, पूरी मार्केट में कोई भी उसको ओरिजिनल लगाएगा। इसको कराने के बाद डब्बे में डाल के जरूर कमा सकता है, लेकिन इसको हाइड्रोडीपी ही कराना मार्केट वाले जरूरी समझते हैं, क्योंकि सेम चीज है, है ना, बढ़िया चीज है, सेम चीज है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी आप लोग देख ही लो कैसी लग रही है। इसके साथ भी इसके एयर बैग में कोई दिक्कत कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है? जो रिबन है भैया वो भी ओरिजिनल लगता है, जो इसमें एयर बैग है वो तो ओरिजिनल लगता है, ओरिजिनल ही लगता है। तो मतलब कभी अगर गाड़ी का खुदरा खास्ता कहीं टच होती है लगती है तो सब ओके होगा ना बिल्कुल? तो इसमें कोई भी कुछ भी ऐसा सीन नहीं होता भाई, ये स्नग फिट होता है। भाई ने सामने वाला गेट भी खोल दिया हमारा, मिरर का काम चलेगा आपको वो भी दिखाऊंगा, मिरर का बटन कैसे लगाएंगे, ओरिजिनल बटन होगा भैया,
बिल्कुल ओरिजिनल। क्या बात है, तो भाई एक बार इस गाड़ी का काम होने देते हैं आपको, ओरिजिनलिटी के साथ कैसे काम होता है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम ये लगाएंगे इसके अंदर, ये कुछ रिले होती है जो कि आरडी कंपनी की होती है, हम लोग आरडी ही यूज करते हैं, अदर ब्रांड भी आते हैं, बता अदर ब्रांड के अंदर क्या होता है थोड़ा बहुत सस्ता होता है लेकिन उसमें आगे चल के आपको दिक्कत परेशानी होती है, इसलिए हम मोस्टली यूज करते हैं आरडी ब्रांड ही, जो कि मेरी लास्ट गाड़ी के अंदर भी लगा हुआ और अभी तक उसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है। तो यह रिले, अब इसका काम क्या होता है वो आप समझा देता हूँ। ऑटोमेटिक साइड मिरर फोल्डिंग किट लिखा हुआ है इस पे, यानी कि जब भी आप अपनी गाड़ी को रिमोट से लॉक करते हो तो यही रिले है जो फंक्शन देती है आपके साइड मिरर को, जैसे आपने लॉक करा आपके जो मिरर हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, तो जैसे आपने अनलॉक करा वो वापस से अनफोल्ड हो जाते हैं। तो ये BMW वाला फीचर जो देती है वो यही वाली रिले आप लोगों को देती है, तो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर विद रिले साइड मिरर, ताकि हमारा अंदर से तो कंट्रोल रहे और जब भी हम गाड़ी बंद करके जाएं रिमोट दबाएं तो ऑटोमेटिक जो हमारे साइड मिरर है वो फोल्ड हो जाए। ये वो यंत्र है जिससे हम गाड़ी में, जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो उस टाइम पर हम इस बटन को जब दबाते हैं तो अपने जो साइड मिरर है वो अंदर से फोल्ड हो जाते हैं और इससे हम एडजस्ट करते हैं। तो ये चीज़ मिसिंग थी इसके गेट के अंदर जो कंपनी आपको नहीं दे रही है, अब ये प्रॉपर उसी जगह पे स्नक फिट होके वहीं लग जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे नहीं था पहले, ऐसा लगेगा कि शायद पहले से ही लगा हुआ था। बट अगर मैं इसके अंदर दिखाऊँ ना, इसके डोर पैनल में दिखाऊँ कहीं पर, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर आपको मिसिंग सा दिख रहा होगा, ये देखो भाई, अब ये वाला जो पार्ट है वो कट होने के बाद ये प्रॉपर फिक्स हो जाएगा एंड आपका जो मिरर है वो यहीं से वर्किंग हो जाएगा। इस 360 कैमरा की किट भी आ चुकी है, तो भाई ये कुछ 1080 और 720 सुपर नाइट विजन कैमरा किट है। वायरिंग भी डालने भाई कुछ ये वाली कुछ वायरिंग रहेगी अपनी जो एम्पलीफायर पे काम करेगी और एक और रहेगी जो मोनो पे काम करेगी। कैमरे में आपको पूरी किट मिल जाती है इसके अंदर, जो अलग अलग ये सारी वायर है, ये सिर्फ वायर होगी अपनी अलग अलग, ठीक है, सबके कलर अलग होते हैं और ये होगा अपने सारे के सारे कैमरे। तो भाई फ्रंट में भी लगेगा, साइड में भी लगेंगे, 360 मतलब चारों तरफ कैमरे लगेंगे इस गाड़ी के, आपको पूरा इस गाड़ी का ना बर्ड व्यू मिलेगा, मतलब चारों तरफ कैमरे लगेंगे, मजा आ जाएगा देखने में। गाड़ी कहीं से भी आप आग बंद करके निकाल सकते हो ये लगने के बाद। ये देखो भाई सारे के सारे कैमरे कुछ ऐसे होते हैं लगा रहे हैं भाई कुछ ये वाली डैम्पिंग, ये है मोको की गोल्ड सीरीज, तो ये वाली डैम्पिंग लगने वाली अपनी गाड़ी के अंदर, जो कि भाई साउंड प्रूफ भी हो जाएगी और जब बेस वगैरह बजेगा ना तो उस टाइम पर मतलब जो उसके अंजर पंजर होते हैं ना वो हिलने से रोकती है, साउंड प्रूफ तो करती है साथ में वो भी रोकेगी और जो गेट है वो थोड़े से और मतलब बढ़िया हो जाएंगे, थोड़े से ठोस हो जाएंगे, सही रहेंगे, हार्ड हो जाएंगे गेट भी, तो सही रहेगा गेट जब बंद करेंगे तो अभी जो खड़ा करके आवाज़ आ रही है वो ना करके एक हवा की तरह बंद होंगे गेट भी। तो कुछ ये गोल्ड सीरीज की आती है भाई, देख रहे हो मोको की है, मोको इज़ अ ब्रांड, तो ये हम लगवा रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर। यहाँ पर काम चल रहा है भाई अपना, दोनों साइड में दोनों लेयर हो रही है, वो अंदर की साइड में डैम्पिंग लगी है, ठीक है, अभी भाई पूरे में लगा देगा डैम्पिंग, उसके बाद इसको पूरा बाहर से भी कवर कर देंगे, तो डुअल लेयर डैम्पिंग हो जाएगी इसके अंदर, बाहर भी और अंदर भी, ऐसी उस साइड भी डैम्पिंग का काम चल रहा है। और ये वाला शीशा तो फूटा हुआ है, तो मैंने इस वाले गेट की डैम्पिंग आज नहीं करवानी, इस वाले गेट को हम कल परसों और कभी भी छुड़वा लेंगे, क्योंकि इसका शीशा चेंज होगा तो डैम्पिंग का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें लगवाने का अभी फिलहाल, बाद में देखो बाद में कभी कुछ होता है तो चलो फिर भी चल जाता है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम उसे रोक सकते हैं, तो हम इसे बाद में लगवा लेंगे। बाकी अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी भाई ने अंदर की साइड में डैम्पिंग कर दी है वाली, देखो मोको की अंदर की लग रही है और बाहर भी लग जाएगी, तो दोनों लगने के बाद इस वाले गेट की बारी है, उसके बाद देखेंगे हम अगर डिग्गी भी डैम कर पाए तो वो भी करवा देंगे। इलेक्शन होने की वजह से भाई थोड़ी जल्दी हमारी शॉप वगैरह क्लोज हुई, क्योंकि पहले तो हम कर लेते थे लेकिन अभी क्या है इलेक्शन की वजह से थोड़ा टाइमली सब चीज़ें क्लोज हो रही है, तो हमने कल काम रुकवा दिया इसका और वापस से काम कर रहे हैं। कुछ ये 1000 RMS का वूफर एम्पलीफायर और अभी डैम्पिंग चल रही है यहाँ पे डिग्गी में भाई, ये देखो मोको की डैम्पिंग यहाँ भी, ये रह गई थी कल हमारी डिग्गी, एक वाला गेट है उसका जब शीशा डल जाएगा, कल उसका शीशा आ जाएगा वैसे तो, बट आई होप सो कि आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सीधा जम्मू के लिए, तो मैं जा रहा हूँ कटरा वैष्णो देवी, तो वहाँ पे जाएंगे पहले दर्शन वगैरह करते हैं, थोड़ी सी ऐसा फील आ रहा था कि इस गाड़ी को लेके जाना चाहिए, माता रानी बुला रही है तो मैंने सोचा चलते हैं। बाकी यहाँ आगे काम चल रहा है भाई स्पीकर वगैरह का, तो यहाँ पर अभी हम लगा रहे हैं मिड रेंज सिल्वेस्टर वाली, ये रखी हुई, ठीक है, DB की सिल्वेस्टर वाली मिड रेंज लगा रहे हैं अभी हम। ये लगने के बाद भाई गाड़ी में जो आवाज़ आती है बहुत बढ़िया आएगी, 1000 RMS का वूफर है, साथ में डायमंड वाली जो अपनी डिस्प्ले आती है ना भाई 11.82K वो हम लगा रहे हैं इस गाड़ी के अंदर, तो अभी तो काम चल रहा है। और एम्पलीफायर जो हम सारे लगाएंगे ना वो हम पीछे लगाएंगे डिग्गी के अंदर, वो बढ़िया रहेगा। ये जो नई गाड़ी की फील है ना दोबारा कभी मिलती नहीं है, तो ये जो फील है ना भाई जो LXi की फील है ये वाली, ये दोबारा नहीं मिलती भाई, तो इस तरह से इसको निकाल दिया जाता है। और शीशा अभी जो टूटा था भाई वो अभी तक यहीं पड़ा हुआ है, देख रहे हो, इसके बाद अभी आगे तो अपने स्पीकर वगैरह कसे जा रहे हैं, वायरिंग वगैरह डल रही है भाई, सारी वायरिंग जो आएगी पीछे तक आएगी बिल्कुल डिग्गी तक, डिग्गी में ही दोनों एम्पलीफायर लगवाऊंगा। पहले वाली गाड़ी में सीट के नीचे होने की वजह से
पीछे से पैर वैर या तो सीट नीचे सेट करा दो। मैं क्या बार बार निकालता हूँ, बार बार लगाता हूँ, तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, तो पीछे बार रहेगी मेरे लिए बेटर है। या आप भी करवा सकते हो, थोड़ा टाइम जरूर लगता है। अगर आप हैवी सिस्टम लगवा रहे हो तो हमेशा पीछे लगवाओ, नॉर्मल सिस्टम में आगे भी एक एम्पलीफायर चल जाता है, क्योंकि हैवी सिस्टम में क्या होता है दो एम्पलीफायर इंस्टॉल होते हैं, बट इसके अंदर एक ही लग रहा है तो ज़्यादा बढ़िया है। इसको लुक्स तो मिल रहे हैं, जब से गाड़ी मैंने खरीदी है ना तब से बढ़िया लग रहा है। अलॉय व्हील बेसिक से पुरानी गाड़ी है, लेकिन जिसने भी देखे उसने बोले भाई बढ़िया लग रहे हैं, या जिसने सुना ना पुरानी गाड़ी से निकाल के इसमें डाले, इसको पता था मेरी पुरानी गाड़ी में भी है, तो वो बंदा ही हमेशा ये बोल रहा है भाई बढ़िया काम करा तूने। लेकिन मैं इसको चेंज जरूर कराऊंगा, अभी कुछ टाइम तक यही है, चेंज करा के बढ़िया 18 इंची डालेंगे इसके अंदर। यार और उस्ताद बढ़िया चेंज करके लगेगा या फिर ये अच्छे लग रहे हैं? ये अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना? लुक्स तो दे रहे, मतलब नॉर्मल से अच्छा है ना, उस रिम से तो अच्छा है, रिम से अच्छा है कि जब तक हम ये लगवा लें, क्योंकि इलेक्शन के वजह से हमारे पास सिस्टम नहीं आ रहा, तो इसलिए हम अलॉय चेंज करेंगे आफ्टर इलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी में भी सिस्टम का काम देख रहे हो, आगे तो लग चुकी है हमारी सिल्वेस्टर सीरीज, जो कि ये रखी हुई भाई ये देखो, ठीक है भाई सिल्वेस्टर सीरीज है। और इसको रोज साहब खोलो, इसे एक बार खोल के दिखाओ क्या होता है, कैसा जुगाड़ होता है इसके अंदर। ये भाई हाई एंड सिस्टम होते हैं और भैया हाई एंड सिस्टम बहुत अच्छे से लगा लेते हैं। ये देखो भाई, ये डीबी निकाल दो मेरे को दे दो, ये हम लगाएंगे वहाँ साइड में भी लगा दूंगा। बाकी ये देखो भाई क्या बात है, देख रहे हो भाई, ये होती है कुछ इसकी मिड रेंज। और इससे अच्छी चीज़ मुझे अभी तक लगी नहीं कोई सी भी, आफ्टर मार्केट बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, बट उन सब के बाद में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है। अब ये ब्रांड है तो ब्रांड इज़ ब्रांड, समझ रहे हो ना, ये देखो ब्रांड इज़ ब्रांड भाई। तो आगे के तो लग चुके हैं, पीछे के लगने बाकी है, एंड देन वायरिंग भी इसकी अप्रॉक्स वायरिंग हो चुकी है, उस साइड की बाकी रह गई है, तो वो हो जाएगी भाई। एक साइड में ये जाएगी, एक साइड में इसकी आरसी लीड जाएगी, एक साइड में वायरिंग होगी इसकी बढ़िया, दूसरी साइड में वायरिंग होगी बढ़िया, दोनों साइड से होने के बाद दोनों एम्पलीफायर की अलग अलग तरीके से वायरिंग जाएगी। और दोनों की वायरिंग होने के बाद ये गाड़ी में आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, तो आपको सुनाऊंगा कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है। अभी फ़िलहाल भाई इधर वूफर वगैरह कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, वूफर इन्होंने यहीं पर रख दिया मेरा। ये कुछ वूफर है भाई, जो कि 1000 RMS का वूफर है, ठीक है, या अपना ही वूफर है। किसी भाई को अगर ऑर्डर करना हो तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, मंगा देंगे आपके लिए भी, अगर किसी भाई को चाहिए तो। मनीष भैया ये भी मंगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो पेटी है वो हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं कुछ, ठीक है भाई। और ये लो भी जाती है, हाई भी जाती है, आई थिंक ये 33 या 30 Hz के आसपास ये ट्यून्ड है पेटी। उसके बाद क्योंकि पुरानी वाली गाड़ी में जो पेटी हमने लगा रखी थी, मैंने सोचा उसकी लगा दें, एक वूफर मेरे पास और है सेम, तो मैंने उसकी पेटी बनने के लिए दे दिया। वो जैसी आएगी या तो उस गाड़ी में या इस गाड़ी में, क्योंकि वूफर सेम है, तो दोनों में से किसी में डालेंगे जैसे मन करेगा। बट फिलहाल हम ये रन करने वाले हैं 1000 RMS का वूफर S&B के 1500.1 एम्पलीफायर के साथ। बाकी इसको किस पे रन करेंगे अभी देखते हैं भाई, मेरे हिसाब से हम इसमें यूज़ करने वाले हैं भाई इंटरफायर। पीछे एम्पलीफायर लगाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इस फट्टे को, इस फट्टे का जो भी प्राइस होगा वो आपको अलग से देना पड़ता है भाई, क्योंकि ये वाला जो फट्टा है वो मैं अलग से खरीद के लेके आया हूँ। और हम इसको फिट करेंगे इसके पीछे कुछ, फिट करने के बाद इसमें होल करने के बाद इसमें कसने के बाद एम्पलीफायर टांगे जाएंगे यहीं पर, और सारा कुछ जुगाड़ रहेगा बिल्कुल पीछे। ये वाला कुछ एम्पलीफायर हम लोग लगा रहे हैं इंटरफायर का 444, जो कि ये वाला होता है भाई 400 RMS, और ये चलाएगा हमारी सारी मिडो को। और यहाँ पर है S&B, तो यहाँ पे S&B लग गया और यहाँ पर ये वाला लग गया, दोनों ये अपना मोनो हो गया, स्टीरियो हो गया, दोनों ही बढ़िया चलेंगे भाई। भैया अब फिलहाल सभी गेटों के अंदर हमारी जो सिल्वेस्टर सीरीज है वो लग चुकी है, मिड लग चुकी है। यहाँ पर अपने एम्प जो है वो भी बस कसने हैं इसको, एक बार वायरिंग कर लें, एक बार चला के देख लें, सब कुछ परफेक्ट चलेगा, यहीं के यहीं इसको कस दिया जाएगा सभी गेटों में। और डिग्गी में भी डैम्प हो चुकी है, तो डिग्गी भी अब हमारी मस्त डैम्प हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी गाड़ी के लिए अब कटन भी आ चुका है, तो कटन और डोर वाइजर सारी चीज़ अवेलेबल है भैया के पास। तो ये हो गया अपने साइड कटन, ये हो गया अपने डोर वाइजर्स, और ये हो गया अपना डिग्गी कटन, तो ये भी हमने अभी लगा ही दिया है, ठीक है। डैप बोन्स के यहाँ पे स्टीकर आता तो ये भी लगा दिया हमने, साथ में जो डायमंड वाली हमारी जो स्क्रीन है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई ने बिल्कुल एकदम फ्रेम जो लगाया ना बढ़िया लगा दिया इसके अंदर। फ्रेम की अगर बात करें तो ये देखो भाई, ये लो परफेक्ट लगा दिया, अभी बस इसको ऑन करना बाकी है। थोड़ी ही देर में हमारी गाड़ी में से आवाज़ आने लग जाएगी, और उसके बाद सब कुछ फिट करना बाकी है, बस 4 पेच इधर 4 पेच उधर, और गाड़ी में से बढ़िया करके आवाज़ आ जाएगी। एंड गाइस अभी चल रही है इस गाड़ी की 360 की कैलिब्रेशन, तो कैलिब्रेट करने के लिए कुछ ऐसे गाड़ी के आगे में आगे पीछे मैट लगाए जाते हैं, और इसके जो जितने भी कैमरे हैं वो सारे सेट करे जाते हैं, ताकि जो आपका बर्ड व्यू आए ना ऊपर से वो बर्ड व्यू बहुत अच्छा आपको दिखाई दे। तो अभी भाई लोग इसके अंदर अभी कैलिब्रेट कर रहे हैं, एक बार करने देते हैं, उसके बाद आपको इसकी कैलिब्रेशन के साथ सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस फाइनली अब हमारी गाड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें एक बार में फिर से लग चुकी हैं, तो यहाँ पर मनीष भी है। मनीष भैया क्या क्या चीज़ लगा दी अब टोटल? देखो इस गाड़ी में जो हमने लगाया है
स्टीरियो लगाया है डायमंड टू के, डायमंड डबल नोब नहीं लगाया, डायमंड टू के लगाया विद 360 सपोर्ट वाला। तो डबल नोब में क्या होता भैया? डबल नोब आजकल क्या हो रहा है, इसमें कॉपी बहुत सारी आ गई है, उसमें क्या है डबल नोब लिखा होता है डब्बे पे, उसकी क्वालिटी हल्की है। वो स्टीरियो है 11,500 की रेंज का, अच्छा सस्ता है। हमने जो लगाया इसमें क्या क्या फीचर्स है? 64GB 360 कैमरा, DSP, एप्पल कारप्ले, और विद सिम, विद सिम, सिम भी डालते। सिम से क्या भैया होता क्या? सिम से भी आप सिम लगा के यूज कर सकते हो, उसको इंटरनेट दे सकते हो, इंटरनेट देते हो, मतलब हमें हॉटस्पॉट वगैरह कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है ना। तो बेसिकली सबसे टॉप एंड वाला जो स्टीरियो होता है ना, वो हमने इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर। और भैया सेटअप की अगर बात करें, इसके अलावा एक हम 360 भी लगाया हमने इसमें, ठीक है। इसके अलावा भी स्टीयरिंग लगा दी हमने टॉप मॉडल वाला, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें हमने स्पीकर जो यूज किया भैया, आपके डेप बाउंस के मिड रेंज यूज करे हैं, डेप बाउंस का मिड रेंज आता है ये वाला, हाँ ये यूज किया चारों डोर में हमने, ठीक है ठीक है। इसके अलावा जो है हमने एम्पलीफायर लगाया है इंटरफायर का 4 चैनल का, ठीक है। एक इसमें हमने SNB का मोनो लगाया है 1500.1 वाला, और ठीक है यार एमएस का लगाया है। आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूं भाई, जो हमने उसका एम्पलीफायर लगाया वो कुछ यहां पे सेटअप किया है हमने, ये देखो भाई, एक यहाँ पे लगा हुआ है SNB और एक ये लगा हुआ है इंटरफायर, है ना, जो कि बढ़िया चीज़ है भैया। यहाँ पे लगाना सही रहता है यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी। मेरे को पिछली गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी जो कि मैंने शेयर कर दी आप लोगों के साथ। और ये कुछ वूफर है भैया, वूफर कौन सा बढ़िया रहता वैसे? वूफर बहुत सारे भैया, डेप बाउंस का भी वूफर है, RMS के ऊपर है, ऑडियो नोट्स का आ रहा है वो भी हम लोग लगा रहे हैं, चलता है डेप बाउंस का चलता है, ठीक है। इसके अलावा भैया मैक्सिमम वगैरह के वूफर आ रहे हैं वो भी, साथ में कुछ और मोड्स भी कर रहे हैं, जैसे इनर हैंडल चेंज कर दिया, साइड मिरर की बात करें तो हमने वो भी हो गया, हाँ जी। और ये देखो भाई मिरर फोल्डिंग भी हो गया, इवन कवर भी लगाया अभी हमने इसका, कवर वो भी इंपोर्टेड वाला, इंपोर्टेड वाला। इधर आ जाओ भाई, ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये कुछ वाला नहीं है, ये किस किस क्वालिटी में आता भैया? ABS में आता है, तो ये बढ़िया चीज है वैसे ना। 360 कैमरा भी यहाँ पे इंस्टॉल है, फ्रंट में देख लेते हैं भाई कहाँ पे लगा हमारा कैमरा। ये देखो भाई यहाँ लगाया छुपा करके बिल्कुल, ताकि दिखाई भी ना दे और व्यू भी पूरा दे, ठीक है। तो बैक साइड की अगर बात करें तो वो कुछ यहाँ पे है, ये देखो ये भी छुपा के बिल्कुल नीचे करके लगा रखा है हमने, ताकि सही रहे और विजन भी बढ़िया है। अभी मैं अंदर बैठ के आपको चेकआउट भी कराऊंगा इसके सारे फीचर, उससे पहले भी साउंड सुना दे। और हमने इसकी जो बैजिंग है वो यहाँ पे लगा दी है, क्योंकि ये जगह खाली थी अब भर गई है। और अगर साउंड की बात करें तो भाई ये लो गेट खोल दिए, सिस्टम की साउंड सुनो एक बार, तो साउंड होगी इसकी जो कि और भी एक्सट्रीम है। लेकिन मैं नॉर्मल गाना चला, अगर मैं इसको लो पे चलाऊंगा तो ये और ज्यादा आएगा। गाइस ये देखो ये वाला कुछ प्लेयर रहता भैया। फीचर्स की बात करें और क्या कितने की डिस्प्ले बताई आपने इसकी? ये भी 11.8 इंच की स्क्रीन है, ठीक है। 360 सपोर्ट है, विद DSP है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4GB रैम है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज है, और ये डायमंड 2K है, ये डबल नॉब नहीं है, ये डबल नॉब है, डायमंड 2K जो है, जो अभी सबसे टॉप स्टीरियो जो है वो यही है 360 सपोर्ट, सबसे टॉप वाला जो प्लेयर है वो यही है। अगर आप लोगों को इंस्टॉल करवाना है तो आप लोग करवा सकते हो साथ में। अगर 360 भी कैसे ऑन होगा इसका? 360 यहाँ से ऑन हो गया, ये लो भाई 360 भी ऑन हो गया, ये फ्रंट दिखा रहा है, ठीक है। 3D भी हो गया, ये फ्रंट भी हो गया, ठीक है। ये रियर व्यू देखना हो, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट दोनों हो गए, ठीक है। ये बैक का हो गया, क्या बात है, कितनी बड़ी डिस्प्ले आ रही है। ये कैमरे की क्लैरिटी को क्या बोलते हैं? ये भी है 1080 होता है ये, अच्छा ठीक है, बिल्कुल HD होता है। और इसमें एक फीचर और भी है भैया, जैसे हमने इसको होम पे दबा दिया, हमने इसमें दिया राइट का इंडिकेटर, राइट का कैमरा अपने आप भी आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, जैसे कि बेसिकली टॉप मॉडल्स में होता है हर गाड़ी का। जो है 360 का जो असली यूज है भैया वो वही है,
वही है। जब हमने इसको बंद कर दिया तो ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर हमने इसको लेफ्ट दिया या रिवर्स गियर डाला तो पीछे कैमरा आ जाएगा भैया। बहुत बढ़िया। अगर इसकी बात करें भैया, ये तो जैसे सबसे महंगा वाला प्लेयर होगा आई थिंक एंड्रॉइड के मामले में। इससे महंगा भी कोई आता भैया नहीं, इससे महंगा वैसे बेचने के लिए कोई महंगा बेच ले कुछ कर ले, बट इससे अच्छी क्वालिटी नहीं आती, नहीं आती है। और नॉर्मल की बात करें अगर एक एंड्रॉइड भी है, कितने तक का अपने पास अवेलेबल है? क्योंकि हर बंदा ये नहीं ना, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ स्टार्टिंग रेंज जो है एंड्रॉइड की वो 4000 की रेंज से स्टार्टिंग होता है। अच्छा एंड्रॉइड अगर लेते हो एप्पल कारप्ले वगैरह 7500-8000 की रेंज में आ जाता है। प्रोसेसर चेंज करते हो ऑक्टाकोर वगैरह पे जाते हो तो 12500-13000 में आता है। सभी का भाई ये देखो, ये सारी चीज की नॉलेज ना आप लोगों को होती नहीं, ऑक्टाकोर क्या होता है, रैम कितनी होती है। क्या भैया बहुत से कस्टमर आते हैं ना, वो कहते हैं डबल नॉब लगा दो भाई, जो अभी चल रहा है नए वाला वो लगा दो। इसमें भैया देखो स्क्रीन साइज में फर्क है, 10.33 वाली स्क्रीन भी आ गई है, वो स्क्रीन ही 10500। एक बार आप शॉप के अंदर चलते हैं, दो चार चीजें वहाँ भी दिखाए थे ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में इसके अंदर भी धांधलीबाजी शुरू हो चुकी है ना, सस्ते वाला जुगाड़ भी आ चुका है। तो एक बार अंदर लेके चलता हूँ भाई आप लोगों को। बाकी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इसकी कुछ और रील्स वगैरह भी आप वहाँ पे देख पाओगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड अगर आपको न्यू स्विफ्ट एलेक्सा अगर आपके पास है आप आओ भैया, सारी प्राइसिंग हम बेस्ट देंगे। ये देखो हमने इसमें जो फॉग लैंप भी चालू कर रखा है उस दिन भी दिखाया था भैया, हमने ओरिजिनल स्विच के साथ फॉग लैंप चालू किया हुआ है। ये आता नहीं अभी अपनी गाड़ी में, आप चेक कर लेना। ये देखो सामने फॉग लैंप ऑन हो गया, ऑन हो गया, बंद हो गया, ये ऑन हो गया। बहुत बढ़िया, इसमें एलईडी बहुत पावरफुल लगी है, पावरफुल भाई। ये तो पहले भी बोला था भैया को, भैया देखना लोग रोक के पूछेंगे, रोक के लोग जिसके सामने लाइट चालू हो जाए वो बेचारा पागल हो जा रहा था कि भाई इतनी तेज रोशनी है रोड पे, अलग ही रिस्पांस है इस वाली लाइट का। और सबकी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हेडलाइट के अंदर, सिर्फ एक एलईडी इंस्टॉल करनी है और आपको टॉप मॉडल की लाइट ही भूल जाओगे। डिपिंग भी लगा दिया भैया, डिपिंग करके लगाया हमने, ठीक है। बहुत से लोग कहेंगे टॉप मॉडल वाले की एमआरपी 13000, इसलिए कोई रख नहीं रहा है, सबके पास जिसके पास मिलेगा ये डिपिंग किया हुआ ही मिलेगा, ठीक है। तो भाई ये वाली 13000 की एमआरपी जरूर आती है, लेकिन ये वाला सस्ता वाला है। अभी डिपिंग करके भैया से आप कॉस्ट पता कर सकते हो, साइड में नंबर आ रहा है। बाकी आप लोगों को विजिट करना है, हम लोग अगर डिपिंग के साथ 5500 का लगा देंगे, विदाउट डिपिंग 5000 का लगा देंगे। लो भाई 500 रुपए का डिफरेंस है सिर्फ इसके पीछे। अगर कोई भाई शौकीन वाला भाई है तो वो जरूर लगवाएगा, जो शौकीन वाला भाई नहीं है वो बोलेंगे अरे लगा दो हमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये बढ़िया चीज है भाई। इसके बाद अगर बात करूं तो इसके बहुत सारे पैनल से, जैसे ये वाला एक पैनल हो गया, स्टेप अपना यही है, यही वाला होगा। इसको हम चेंज करेंगे तो वो भी सारी चीजें आपको वीडियो के साथ दिखा देंगे भाई, क्या क्या चीज चेंज करने वाले हैं। लेकिन वो ये कि एक एक स्टेप के साथ हम गाड़ी को रेडी कर रहे हैं। तो गाड़ी अपनी रेडी हो चुकी है, अब लेके चलता हूँ एक बार शॉप के अंदर, जिसमें जो हमने भैया स्पीकर लगाए हैं क्या कॉस्ट करते होंगे भैया? इसकी कॉस्टिंग 8500 की रेंज, 8500 की भाई, 8500 की रेंज की कॉस्टिंग होती है एक पेयर की, मतलब यानी कि एक इस साइड के गेट में लगेगा, एक उस साइड के गेट में लगेगा, तो 8500 रुपए। बाकी एम्पलीफायर अपने दोनों अलग हैं, डिस्प्ले अपनी अलग है, वूफर अपनी अलग है ना, उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हो भैया से कि क्या कौन सी चीज कितने की है। अगर आपको इतना हैवी नहीं लगाना, उसके लिए मैं शॉप के अंदर चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ आपको। 360 नहीं लगाते हो ना, 360 वाले सपोर्ट नहीं चाहते हो, तो 2000-3000 का फर्क वहीं पर है स्टीरियो के प्राइसिंग में, ठीक है। स्क्रीन साइज छोटा चाहिए तो वहाँ भी 3000-4000 का फर्क आ जाता है अभी। चलो भाई तो एक बार शॉप पे चलते हैं, वहाँ दिखाया था ना। सो गाइस यहाँ पर आपको मिल जाती है स्पीकर की बहुत सारी रेंज, कैमरे की रेंज, उसके बाद हमारे पास एंड्रॉइड की अलग अलग रेंज। तो बात करते हैं भैया क्या बताते हैं आप। देखो हमने जो आपकी गाड़ी में स्पीकर लगाया डेपोंस का भैया, मिड रेंज, वो मिड रेंज पहले तो आता ही था, अब उसका कंपोनेंट भी आ चुका है। अच्छा कंपोनेंट इसका, अगर कंपोनेंट वाला, अच्छा ये वाला मशाटे का, ठीक है, हाँ जी ठीक है। 65 वाट RMS का भी स्पीकर होता है, ठीक है, ये भी अवेलेबल है। इसके अलावा स्पीकर बता रहा हूँ बहुत सारे जो है, आपको इसका स्क्रीन साइज देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है स्क्रीन साइज 10.01 देखने में सेम लिखा हुआ, देखने में वैसे ही लगेगा, ठीक है ठीक है। ये भी दिखा देता हूँ, ये लो भाई दिखने में वैसे ही है, लेकिन अगर बात करूँ तो दोनों का स्क्रीन साइज छोटा है, ये लो भाई छोटा हो गया, ये 9 से 10 के आसपास लग रहा है ना। और इसके अंदर पूरी स्क्रीन भी नहीं होती, इसमें नीचे अलग से टच दिए हुए हैं यहाँ पे ना, ये कुछ वो वाला है जो कि लोग आप जिस बंदे को नॉलेज ना होगी वो बंदा लगा के चला जाएगा ना। ये देखो ये लार्ज नॉब है, ये भी आ गया है, ये भी दिखने में सब कुछ सेम लगता है, पर इसकी प्राइसिंग कम आती है, प्राइसिंग कम आती है इसकी। तो भाई ये डब्बा खोल के देखते हैं, ये लो भाई इस प्राइसिंग भी क्यों कम है इसकी, ऐसा क्या है? फैक्ट्री में से ही रेट का कम, अच्छा ये देखो चीज सेम है वैसे, नहीं चीज सेम नहीं है भैया, प्रोसेसर अलग होता है, प्रोसेसर अलग होता है। तो भाई ये देख लो प्रोसेसर अलग है इसका, यहाँ पे इसकी सारी डिटेल भी मेंशन है, क्या क्या चीज़ होती है इसके अंदर। ये भी 4GB वाला भैया, 4GB भी है इसके अंदर, और 360 होता है इसमें, 360 होता है। ओके तो ये हो गया दूसरा, इसका बॉक्स भी थोड़ा अलग मिलेगा आपको। अब लोग क्या करते हैं, ये सस्ते वाले को इसी बॉक्स में डाल के दे देंगे, तो जब भी अपना लेके जा रहे हो ना बॉक्स जरूर लेके जाना। इसके अंदर भैया क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं सारे, ये देख लेना भैया स्पेसिफिकेशन। 11.5 इंच यूनिवर्सल 4/64 360 है ना, 360 में खेलते दो आते हैं भैया, एक सिम वाला और एक विदाउट सिम वाला, तो वहां पर भी फर्क देखने को मिल जाता है ना। अब सिम वाले के लिए क्या होता है, अलग से एक चिप अलग से मिलती है, इसमें आप सिम इंसर्ट कर सकते हो
है ना। और बात करें भैया जैसे हम स्पीकर वगैरह लगाते हैं तो रेंज पाइनियर सोनी जेबीएल पाइनियर 6700 कंपोनेंट को एकदम सोनी 6700 एक कॉम्बो बता दो भैया। कॉम्बो वो तो हम शुरू से बता ही रहे अभी से नहीं सोचते बता देते भैया। पाइनियर का कंपोनेंट को एकदम 6700 जेबीएल का कंपोनेंट को एकदम 6700 सोनी का कंपोनेंट को एकदम 6700 ठीक है। उसके अलावा भैया हम इन्फिनिटी पे अगर जाते हैं तो इन्फिनिटी का प्राइमस का कंपोनेंट को एकदम 9000 की रेंज का आएगा ठीक है। मॉरेल वगैरह पे जाओगे तो भैया 10,500 की रेंज का आता है। इसके ऊपर हम जाना तो जेल ऑडियो वगैरह आता है। अवतार लेना चाहो वो भी मिल जाएगा 6700 का भैया। भाई 6700 भैया बता रहे हैं लेकिन अपनी गाड़ी के अंदर जो लगा है वो सिर्फ पेयर ही कितना बताया आपने 85 का 8,500 का 8500 का एक पेयर है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या लगा रहे हो वो मिड रेंज है बेसिकली। यहाँ पर हम लाउड सेटअप के लिए अगर आप नॉर्मल में उसको लगाओगे तो मजा नहीं है। मोस्टली लोग नॉर्मल लगाते हैं बेस ट्यूब वगैरह के साथ में तो वहाँ पर उसको हम यूज कर सकते हैं ना। और भैया एम्पलीफायर्स वगैरह भी होते हैं। एम्पलीफायर सारे रेंज है भैया नॉर्मल चलता है 3500 4500 5000 5500 चलता है। बाकी जो बड़े मॉडल है तो सारे। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज और शेयर कर देता हूँ भैया के साथ ही कि भैया ने रेट दिया 6700 क्या क्या लगाएंगे भैया 67 में एक कंपोनेंट यानी कि वन पेयर ऑफ कंपोनेंट वन पेयर ऑफ कोएक्सल है ना। यहाँ पर आपके यहाँ थोड़ा सा धान लेबाजी हो सकती है। हमने अगर 67 बोला कोई 66 बोल के कहीं और बराबर कर ले 65 बोले कर ले 2000-3000 बच जाने सही बात है। लेकिन अगर ओरिजिनल चीज होगा ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा तो फिर उसके रेट में थोड़ा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भाई 67 अगर हम प्राइस आप लोगों को दे रहे हैं ना तो समझ के चलना और विजिट कर सकते हो आप लोग माही कार सीरीज पर। जैसे कि हमने इस वीडियो के अंदर भी आपको साइड मिरर दिखाए है ना एम सीरीज वाले जो बैटमैन टाइप होते हैं वो हमने आपको साइड मिरर की प्राइसिंग वो तो हम वीडियो में बता ही देंगे। हाँ। वैसे साइड मिरर की प्राइसिंग भी है 8,500 रुपए है 8500 का साइड मिरर है ठीक है। और अगर रिले लगाते हो लॉक करते हैं आपको सीधे फोल्ड चाहिए तो 1200 रुपए की रिले है। चलो वो भी हमने इस ब्लॉग में अलग से रिले दिखा रखी है आप लोगों को। आरडी का जो बॉक्स आप लोगों ने देखा होगा वो वही काम करता है ना अगर आपको रिमोट से लॉक करनी है तो। हमारी गाड़ी तो लॉक अनलॉक होती है साथ में भैया और कुछ भी रह गया हमारा कंप्लीट है ना। अगले वीडियो मतलब एक एक करके एक बार इतनी जो पावरफुल एलईडी है उसका ही प्राइस बता दो। थोड़ा वो एलईडी का 5000 ना इतनी तेज पावरफुल मजा आ जाएगा बहुत बढ़िया भाई। तो ये कुछ सारी चीजें आप लोग अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करा सकते हो। बाकी आती रहेगी वीडियो भाई सब्सक्राइब कर लेना और भैया को भी फॉलो कर लेना आप लोग। माही कार एक्सेसरीज शॉप अपनी करोल बाग में है ना और भैया का नंबर साइड में आ रहा है आप लोग मैसेज या कॉल कर सकते हो। मोस्टली कॉल करना प्रेफर करना कॉल करो पता करो या फिर डायरेक्ट भी शॉप पे आ जाओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं कभी भी आप लोग विजिट कर सकते हो। तो आप लोग आना माही कार एक्सेसरीज पर अगर आपके पास है स्विफ्ट और अगर आना चाहते हो अच्छा सेटअप अगर बजटेड भी कराओगे तब भी अच्छा ही भाई लोग करके देते हैं। तो करते हैं भाई वीडियो कॉल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। छोरी तू गोरी रंग मेरा काड़ा मम्मी कसम मैं दिल तनी माड़ा अपनी जोड़ी पे तंज कसे जो जुबा पे डार दो उनके ताड़ा हाथ पे टैटू है गाड़ा नाम का तेरे जब तपहाड़ा फिकर का जिक्र न करियो लाडो साथ में अपने है डमरू फाड़ा।